सार और लवण, अम्ल, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अक्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, इनको जब छूते हैं तो साबुन जैसे चिकने होते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, इनका जो स्पर्श होता है वो साबुन जैसा होता है, इन्हें मक्षार कहते हैं। हमें प्रत्येक पदार्थ को चक्कर ये पता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो अमल है या अक्षार, क्योंकि वो विषैला भी हो सकता है। इसलिए हमें प्रत्येक पदार्थ को नहीं चखना चाहिए जब तक हम ये पक्का विश्वास ना कर लें कि वो पदार्थ हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है। साबुन है ये अक्षार में आता है। खट्टे पदार्थ, जितने भी खट्टे पदार्थ, नींबू या उसके जैसे सिरका है और है, दही है, ये सारे अमल के अंदर आते हैं। जो अमल है उसको हम इंग्लिश में एसिड बोल देते हैं, और जो अमल की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द एशियर से हुई है जिसका मतलब है खट्टा। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका रासायनिक नाम है, इसका स्वाद कड़वा होता है जिसका मतलब इसकी प्रकृति अक्षारीय है। तो जो अक्षारक होते हैं मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, वो साबुन जैसे चिकने होते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। सूचक, सूचक हमें ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या अक्षार। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवनिर्मित। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं वो हल्दी, लिटमस, गुड़हल, ये प्राकृतिक सूचक के अंदर आ जाते हैं। मानव निर्मित सूचक के अंदर फिनोल, फथेलिन जैसे पदार्थ आते हैं। सिरका जो अचार में डालते हैं उसमें एसिटिक अम्ल होता है, चींटी का डंक उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके साथ साथ जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू जैसे जितने भी फल हैं, मौसमी हैं, संतरा है, उन सब में साइट्रिक अम्ल होता है। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है और उसके अंदर लैक्टोज शुगर भी होती है। पालक जो हम खाते हैं उसके अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है, इसीलिए जिनको पथरी की शिकायत होती है उनको पालक खाने से मना किया जाता है, क्योंकि वो ऑक्सैलिक अम्ल ऑक्सैलेट आयन में बदल जाता है। आंवला सिट्रस फल, आंवला और सिट्रस फल जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इमली, अंगूर, कच्चे आम, ये टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इनके अंदर। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो अपमार्जक यूज किया जाता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अक्षारक होता है। दूध या मैग्नीशियम जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको दूध या मैग्नीशियम को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2। लाइकेन से हमें लिटमस प्राप्त होता है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन कवक और नील हरित शैवाल से मिलकर बना हुआ होता है, और जो लाइकेन से जो लिटमस प्राप्त होता है उसका रंग माव या नील सोन होता है, जिसे हम अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो लाल रंग का हो जाता है, और उसे अगर हम अक्षारीय विलयन में मिलाएं तो वो नीले रंग का हो जाता है। और इस विलयन में यदि हम कागज की पट्टियां डुबोएं तो लिटमस पत्थर तैयार हो जाता है, जो अमल में नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है और अक्षारीय पदार्थ में लाल लिटमस नीले रंग होता है। ये आपको लाइकेन दिखा रखी है और ये साथ में लाल लिटमस पत्थर और नीला लिटमस पत्थर दिखा रखा है पिक्चर के अंदर। नलके का पानी, अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ ये कोल्ड ड्रिंक्स को बोलते हैं। साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक, सोडियम क्लोराइड जो होता है, शक्कर का विलयन जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं, सिरका, CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन, चूने का पानी, इनको हम
जो लिटमस पेपर है उसकी सहायता से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये अम्लीय है या अक्षारकीय। इसके बाद आपको चूने का पानी कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, चूने का पानी बनाने के लिए आप चूने की कुछ मात्रा लीजिए, उसको पानी में घोल दीजिए, कुछ देर उसको रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपर जो पानी है, द्रव मिला है हमें, उसको अलग कर लीजिए, निथार लीजिए, तो इस तरह हमें चूने का पानी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उदासीन विलयन, ऐसा विलयन जिसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही अक्षारकीय होती है, जो ना लिटमस पत्र का रंग चेंज करता है और ना ही लाल लिटमस पत्र का रंग चेंज करता है, ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है। फिर हल्दी है, वो एक प्राकृतिक सूचक है। कैसे है, यदि हल्दी के ऊपर अक्षार डाला जाए, हल्दी के पेस्ट के ऊपर अक्षार डाला जाए तो उसका रंग लाल हो जाता है, गहरा लाल, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। हल्दी का पेस्ट है और उसके ऊपर जब चूने का पानी लगाया जाता है तो लाल रंग का हो जाता है। इसी तरह बूझो भी कह रहा है कि उसकी शर्ट है, जब उसके ऊपर साबुन लगाए जाते हैं तो वो लाल हो जाती है। इससे पता चलता है हल्दी अक्षारकीय विलयन में अपना रंग बदल लेती है और लाल हो जाती है। उसके बाद गुड़हल का पुष्प होता है, उसके पंखुड़ियाँ हैं, उनको भी हम पता लगाने के लिए भी अम्लीय है टोकदार या नहीं है, तो हम उसके लिए गुड़हल की उसकी पत्तियों जो पंखुड़ियाँ हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी, अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी मेजेंटा और अक्षारकीय विलयन को हरा कर देता है, जैसे कि चित्र में दिखा रखा है। गुड़हल का पुष्प, इसकी पंखुड़ियाँ हैं, ये अम्ल को और अक्षारक को अलग अलग रंग प्रदान कर रहे हैं। गुड़हल का जो वास्तव में जो रंग है वो इन्होंने हल्का गुलाबी का रखा है, लेकिन जैसे ही वो उसके अम्ल के अंदर डाला जाएगा तो गहरा गुलाबी और मेजेंटा रंग जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं अम्ल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अक्षार होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अक्षार होता है चूने का पानी। प्रयोगशाला में अम्ल और अक्षार को पारख रखाव बहुत अच्छे ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं, ये त्वचा को जला सकते हैं, इससे हमें हानि हो सकती है, इनकी प्रकृति बहुत संसारक होती है, नष्ट करने वाली होती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता, अक्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, और इनके मिक्स करने से उदासीन विलयन तैयार होता है, अगर इनको उचित मात्रा में मिलाया जाए तो। फिनोल फतेलिन मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एक ऐसा पदार्थ है जो मानव द्वारा निर्मित है, तो इसमें एक क्रियाकलाप है, किसी प्रणाली के एक चौथाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से भर ले, उसका रंग नोट कर लीजिए। फिनोल फतेलिन विलयन की उसके अंदर जो विलयन है उसका रंग भी नोट कर लीजिए। अब फिनोल फतेलिन की 2 से 3 बूंदें अम्ल में डाल दीजिए, फिर उसका रंग देखिए कैसा, क्योंकि इसको हिलाइए धीरे धीरे, क्या कुछ बदलाव आता है। फिर अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालते रहिए, धीरे धीरे उसको हिलाते रहिए, डालते रहिए, फिर हिलाते रहिए, ऐसे बूंद बूंद करके डालते रहिए, तब तक डालिए जब तक कोई हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। फिर उसके अंदर वापस, क्योंकि हमने अब पहले अक्षार डाला था, वापस अम्ल डालें तो रंग गायब हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि जब विलयन अक्षारकीय होता है तो फिनोल फतेलिन गुलाबी रंग देता है, और जब अम्लीय होता है तो रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में अक्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और अक्षारकीय विलयन को उचित मात्रा मिला जाए तो जो विलयन प्राप्त होगा वो उदासीन विलयन प्राप्त होगा। एक बात और है, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएँ कहते हैं, और इस कारण से जो मिश्रण का तापमान वो बढ़ जाता है। उदासीन अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। लवण अम्लीय भी हो सकता है, अक्षारकीय भी हो सकता है, ये उदासीन भी हो सकता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, ये वर्षा के पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देती हैं, जो फिर वो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और उसे हम अम्लीय वर्षा कह देते हैं।
अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचा सकती है यदि ये अधिक मात्रा में उसमें अम्ल हो जाए तो। ये अभिक्रिया है, अम्ल और अक्षारक का अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा और उष्मा भी उत्पन्न होगी। नीचे एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दी जाती है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर और प्लस उष्मा प्राप्त होती है। इसी तरह इसने एग्जाम्पल दिया भी, आप इसकी अभिक्रिया मैंने लिखी हुई है नीचे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की जब अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर और उष्मा प्राप्त होती है, जल प्राप्त हो, हीट हमें प्राप्त हो जाती है। फिर उदासीनी कण के उदाहरण है जो हमारे डेली लाइफ के अंदर होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में पाया जाता है जठर रस के अंदर, यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की अधिकता भी हो जाए तो उसे हम एसिडिटी या अपाचन कह देते हैं। उसे बचने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं, जैसे दूध या मैग्नीशियम, जैसे हम मिल्क को मैग्नीशियम बोल देते हैं जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, आदि पदार्थ ले लेते हैं। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। उसके बाद चींटी का डंक, जिसमें हमने पहले ही पढ़ा है फॉर्मिक अम्ल होता है, यह जब चींटी में काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है और डंक के प्रभाव को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, नमीयुक्त खाने की सहायता से, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैलेमाइन, इसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड आदि मलकर हम उसको उदासीन कर सकते हैं। और जो कैलेमाइन विलयन होता है उसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड और मृदा उपचार। अम्लीय और अक्षार के मृदा हो सकती है, अम्लीय मृदा क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक अपशिष्ट पदार्थ, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं इसलिए वो अम्लीय हो जाती है। यदि इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें, भुजा हुआ चूना डाल दें तो वापस अम्लीय और अक्षार के मिलकर, अक्षारक मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं और विलयन हमारा जो मिट्टी है वो उदासीन हो जाती है। इसी तरह यदि मृदा क्षार की है तो हम उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाकर उसको हम अम्लीय, कार्बनिक पदार्थ मिलाकर उसके हम क्षार के प्रभाव को कम कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। कारखानों का अपशिष्ट अम्लीय होता है, यदि उसको ऐसे ही पानी में डाल दिया जाए तो जो जलीय जीव है जैसे मछली आदि हैं इनकी मृत्यु हो सकती है, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो उनके ऊपर बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले हमें जो कारखानों का निकला हुआ जो पानी है उसको, उसका उपचार करना चाहिए, उसको उदासीन करना चाहिए और फिर उदासीन करने के बाद इसको पानी में डालना चाहिए। धन्यवाद।